वेलकम टू फन सिटी। तो आज हमारा हाथ पकड़ लीजिए, आपको घुमाएंगे फन सिटी। वाटर पार्क वाला क्या? वाटर पार्क बंद होगा ठंड में यार। वाटर पार्क बंद है भैया? अच्छा, तो 350 रुपये में कोई सा भी झूला झूल सकता है। तो सी गाइस, हम लोगों ने टिकट ले ली है, चलिए अब आगे झूले भी झूलते हैं। या सी गाइस, इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है लेकिन वॉशरूम देखिए कितना अनहाइजीनिक और स्मॉल है। भले एक झूला कम हो रहा था पर वॉशरूम डम का होना चाहिए। सी गाइस, हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पे। ब्लॉगर चलो आओ। कोरोना में अम्यूजमेंट पार्क आने का अलग ही मज़ा है। देख रहे हैं कितनी शांति है, सब कोरोना की मेहरबानी है। तो गाइज, यही फ़ायदा होता है कोरोना में आने का, देखिए कितनी शांति है। वरना इतनी भीड़ होती है कि कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो कहूँगा कोरोना का फ़ायदा उठाते हुए आप भी अम्यूजमेंट पार्क आइए और मज़े लीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए और ज़माने की मार चोट दीजिए। ये कार है पर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पता नहीं मैं चला पाऊंगा या नहीं। आप बने रहिए, बताते हैं ये कार चला पाएंगे या नहीं। गाइस, हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम रोलर कोस्टर की राइड लेंगे। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलर कोस्टर जरूरी है। या बाकी झूला मिले ना मिले, अगर अम्यूजमेंट पार्क आए और रोलर कोस्टर पे नहीं आए तो क्या फ़ायदा फिर, समझ सकते हैं ना। समझ रहे हो रोलर कोस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए यहाँ पे ठंड हो रही है पर एक ही शर्ट में आ गए क्योंकि स्वैग साडा देसी। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, गांड फटे तो फटे पर नवाब ही ना फटे, इसीलिए समझ रहे हो। गाइज यू नो मेरी फेवरेट मूवी कौन सी थी? 3 Idiots। और उसका फेवरेट सीन था ये जो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना मजेदार है ये। ओह, पर इससे हमारी नहीं फटती, हम लोग क्योंकि हम वो हैं जो बुर्ज खलीफा से भी थूक मार दें तो बहुत दूर गिरता है। yeah. क्योंकि हम यूपी से हैं ना। ये देखिए ये कैसे फोफड़े चमगादड़ बने हुए हैं इनका फोफड़ा। ओ सॉरी, पारिवारिक ब्लॉग है। अब देखिए गाइस, ना कोई इनने हार्नेस लिए ना रस्सी लिए, अगर ये गिरेंगे तो इनका क्या होगा। तो गाइस अपन चांद पर जाने वाला है, ये देखिए पहली राइड। टिकट बोले दोनों सीम है, अलग अलग बैठना पड़ेगा, अलग 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 बैठना पड़ेगा, इसमें घुस पे। अरे ऐसा गाइस, चांद पे थोड़ी देर बाद जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लोग हैं नहीं और अलग अलग हम बैठना नहीं चाहते क्योंकि मेरे पास सेटिंग है नहीं, बस यही सेटिंग है जिस काम चलाना पड़ता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम स्ट्रेट नॉट गे। अबे सबरी से था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है रोलर कोस्टर वाली। तो गाइस यहाँ से चलेगी हम 4K मिले रहे आगे का, तुम पीछे चलो पीछे चलो। मंजिल कहाँ है? चांद ले चलो। भाई अगर मैं जिंदा रहूंगा तो वीडियो पड़ जाएगी ये।
लॉन्ड भाई उत्कर्ष अपने अपने फोन पकड़ो इज्जत से तो गाइस तो जैसा कि मैंने भी डायलॉग बाजी करी थी ज्ञान फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे और ये देखिए पूरा भीग चुका हूँ मैं मी ऑल्सो अब गांड फटे देखिए ये देखिए रोलर कोस्टर लेने के बाद हम लोग भीग चुके हैं और हम लोग की लुक पे ले रही है ठंड है ओह काफ़ी ठंड है पर खून गरम है अपना चलता है खरगोश अगर आपने ज़िंदगी में खरगोश नहीं देखे हैं तो आपने क्या देखा है ऐसे होते हैं खरगोश मुझे पता नहीं था खरगोश मिलेंगे वरना मैं इनके लिए गाजर लेके आता यू नो कैरेट बहुत अफसोस है सॉरी दोस्त अगली बार आएंगे तो तुम्हारे लिए लेके आएंगे कुछ यू नो बचपन में हमारा बहुत मन होता था पुरानी मूवी देखते थे कि कश्मीर जाएंगे और रोप वे लेंगे हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि कश्मीर जाएंगे और रोप वे लेंगे पर वी कांट अफोर्ड दिस तो हम लोग ये छोटी रोप वे ले रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे इसमें कश्मीर का मजा लेंगे तो गाइज मेरा भी सपना था इसका भी सपना था कि कश्मीर जाएंगे और रोप वे लेंगे जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे रस्सी पर लटकते हुए जा रहे हैं पर आप तो जानती हैं इतना बजट नहीं है और YouTube पैसे भी नहीं देता है तो हम लोगों ने छोटी जुगाड़ करी है कुर्सी में बैठेंगे यहाँ से वहाँ तक चले जाएंगे बस इतने तार तो हम लोग अपनी छतों पर लगा देते हैं कपड़े सुखाने के लिए बट क्या टिकट दो क्योंकि हम अपने उसके लिए झंगोले के लिए बचा के रखें तो भाई ये देखिए पैर लटके हुए हैं और हम जा रहे हैं पैर ना हिलाओ भाई उनने बना किया पैर नहीं हिला सकते हैं ये भी ठीक है ये देखिए हम लोग शिमला में हैं कश्मीर में हैं मनाली में हैं जो समझना है समझिए रोप वे पे ये आप कोई इंजीनियर वीडियो देख रहा है तो उसका मैकेनिज्म सीख लीजिए शायद आपके काम आ जाए कोई मजा नहीं आ रहा है इसमें लटके हुए बस खाली रोप पे ले थे हम लोग और अपनी मंजिल को बस पहुंचने वाले हैं क्या फायदा पैर ना हिलाएं आप पैर नहीं हिलाना है क्या करना है पैर नहीं हिलाना है हाँ गाइस तो देखिए ये नीचे वाले लोग हम लोग को घूर रहे हैं यार ये गलत बात है आपने वो कहावत तो सुनी होगी जब इंसान ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो लोग उससे जलने लगते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा जलो मत बराबरी करो रोप वे पे आओ 50 रुपये खर्च करो और कोरोना में ज़रूर आओ तो गाइस एक और राइड के लिए तैयार हो जाइए यार मैं बहुत पछता रहा हूँ मैंने बीमा नहीं कराया अपना समझ सकते ना बीमा नहीं कराया अपना अगर मैंने बीमा कराया तो तुम लोग इतनी टेंशन नहीं होती पर चलिए जो है जैसा है अपन चांद पे आज अपन चांद पे है ठीक है भाई वार्म अप हो रहा है झूले का ये भी ठीक है डर इस बात का है कहीं फोन ना हाथ से छूट जाए ये ओ भाई अभी वार्म अप हो रहा है भाई उत्तर अब लग रही है ये अरे भाई साहब चांद पे अपन अरे हार्दिक भाई माल कटा के प्रेशर तो दे दीजिए ये खम्बा ना टकरा जाए गाइस प्लान चेंज मैं जैसा कि आपको एडवाइस दे रहा था कि कोरोना में आइए मज़ा आता है पर मज़ा बिल्कुल नहीं आता ये झूले वाले अपनी मरा रहे हैं कह रहे जब तक चार लोग नहीं होंगे झूला चलेगा नहीं तो हम तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा वेट करना पड़ रहा है तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं है कोरोना में आने का हाँ अगर आपको रोमांस करना है तो आ जाइए यहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी हैं ये भी ठीक है तो गाइस
चलते चलते यूँ ही रुक जाता हूँ क्योंकि आराम कर लेता हूँ। चलो पैर डालो अपने नीचे, हर वक्त रोमांस नहीं करता। पैर नीचे डालो, पैर नीचे। अपन चांद पे जाने वाला है। हाँ ओके ओके ओ भाई अभी जाओ ना छोड़ के। हार्दिक भाई एकदम झटका मारेगा, ये एकदम मारेगा साला। ओ ओ ओ ये इन्हें रोका है क्योंकि झटका भी देना जरूरी है। ओ डैनी गाइस अब ब्रेक डांस झूलेंगे। ब्रेक डांस तो करना नहीं आता है, पर झूलना तो आता है। अभी मिल जाएंगे यार, अभी अभी टाइम हो रहा है, आएंगे लोग। तो गाइस चलिए आपको प्रभु देवा का डांस दिखाते हैं। हार्दिक बहुत धूप है यार यहाँ पे, मैं सनस्क्रीन लगाना भी भूल गया। यो गाइस स्ट्रीट डांसर 4 ये क्योंकि है ब्रेक डांस। गाइस इन बच्चों वाले झूलों से मेरी गांड नहीं पकती, मुझे डर है। ओ फक प्रभुदेवा का पाप है ये तो। देखिए हार्दिक की फट रही है, उन्हें मांस कटा, मांस कटा। आजमा के देखे नीतू नशे सारे, वो आजमा के देखे नीतू नशे सारे, बुरा अख तेरा मुंडे आरे। ये खत्म पटती नहीं है गाइस, ये तो बच्चों वाले झूले मैंने बहुत झूले हैं। नाउ आई एम बिग, मैं पट्टी दौड़ो ना अपनी, ये कुछ नहीं है, ये पट्टी नहीं है उनकी, अपन की पट्टी नहीं। गाइस अगर आपको ब्लॉग में मजा आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये भैंसों जैसे कुर्सी हिल रही है ऐसे कुर्सी हिला के सब्सक्राइब के बटन पे फेंक दीजिए। ओके तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये गाइस सबसे लंबी राइड यही थी, चचा बहुत बढ़िया है, चचा से हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एक राइड आउट दे दी हम लोगों को। मैंने भी खेला है हर गेंद, सॉरी फॉर माय सिंगिंग। तूने क्या किया, अब खत्म हो गया। इससे भी मेहरबान नहीं चाचा हम लोग, अरे अरे है अभी है अभी है। कदम एक बार हंस तो दो। ये रोता ना तू को तो पालू मैं। देखिए गाइस तरीके से लॉक हो चुके हैं, काबू है मेरा खुद पे कस के। पूरी तरह से हम लोग लॉक हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। देखते हैं क्या होता है, पूरा जाल वगैरह आप देख सकते हैं, पूरी सेफ्टी है।
हम अपने। देखिए गाइस ये बच्चा जो जा रहा है इधर, शायद आप देखिए, देखिए इसे झूले वाले ने मना कर दिया है, काफ़ी उदास है बेचारा बच्चा। होना भी जरूर है क्या आजकल, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। ये वाली आगे वाली, चलो कोई नहीं, ये देखिए चाल बिछने जा रहा है हम लोग, चाल बिछ चुका है, आओ लॉक हो गए हम लोग, ये लॉक करते कॉल, हम लोग सेफ हैं फिलहाल, बस थोड़ा अंदर से फील, बस थोड़ा डर तो लगता ही नहीं है, वो तो डर तो लगता ही नहीं है, डर तो लगता ही नहीं है। ये तो कोई चल रहा है, चलने दो, दुनिया चल रही है, ये भी झूला भी चलेगा, फॉरवर्ड हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, सब चल ही रहे हैं, ये झूला भी चलेगा, डर तो लगता ही नहीं है। ओ भाई डर नहीं लगता भाई, ये तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ऑल गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अबे यार भाई टेढ़ा हो गया मैं भाई, मैं लेट गया भाई, भाई आप समझ ही सकते हो कितना कभी लेट गया था भाई, भाई 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 ये क्या बच्चों 360 घुमा दिया, 360 पे कमर घुमा दे भाई, तुम्हें चश्मा जा रहा है, ओ बहन चोद, ये क्या था भाई साहब, बैकफ्लिप बैक अल्टीमेट भाई साहब, 360 ये डर तो लगता नहीं है बहन चोद, डर का मौका बहुत है, अपन चांद पे है, अपन चांद पे है, बैकफ्लिप भाई, ओ यहीं पर डक्के चोक देंगे, अरे ओ भाई साहब, ओ भाई अरे उन्हें रोक दिया, अरे कहाँ रोक दिए, अरे यार भाई बच्चा का अच्छा, भाई हम फोन अंदर रखा मेरा भाई, मैं लटक गया, फोन पकड़ लेना ध्यान से, भाई अल्टीमेट मजा आ गया भाई, पैसा वसूल भाई, अगर ये ना झूलते तो कोई फायदा ही नहीं था यार, यार अगर ये नहीं झूलते तो सही बात है, फायदा नहीं था ये देखिए गाइस, आप ऐसे देख लीजिए कैसे चलता है ये, ये देखिए आने वाला है, बस ये आ रहा, आया ओ भाई, खत्म, तो गाइस अच्छा भूतों से भी नहीं फटती हमारी जी, अभी मतलब अभी बस निकलना है, गाड़ी ठीक हो गई, बस हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं, भूत उदा साल पुराना, ये गाइस देखिए आत्माएं ट्रेडिंग, चलो चले भाई, गुफा में ठंड है यार, मजा आ रहा है भाई।
यार कते अंधेरा यार। हम लोग दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है पर हमको कार चलानी है, बताइए क्या करें। सोच रहे हैं कि आज रूल तोड़ दिया जाए। हाँ देख लो बेटा गाड़ी पलटा देंगे तुम्हारी, बाकी आग स्टेरिंग हरामी। ये बड़ी नहीं रही बहस की यार, फुल काट देंगे फुल। तो देखिए ड्राइविंग देखिए मेरी, मैं उस दीवार से कट मारूंगा। ये देखिए ड्राइविंग, ये हार्दिक तू गया बेटा तू। ये देखिए राइडर बोबड़ी के आगे चला ले, फुल काट दी मैंने, फुल काट दी। चलो चलो बड़ा आगे बड़ भोसड़ी वाली बड़। ये देखिए मैं कितनी बड़े टाइम करता हूँ, कट मारूंगा ये। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट मेरा, तो भाई कसीट ले गया मुझे। ओ भाई भोसड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थे गाइस, मेरा बहुत एक्सीडेंट हो गया। चाचा चाचा मेरी गाड़ी रुक गई, हम दोबारा राइट ले लेंगे, पहले बता रहे हैं। हाँ ये गलत बात है भाई, कभी जिंदगी में तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे, कभी कभी जिंदगी में आप ये नहीं कर पाएंगे। फिर रुक गई चलो उतर जाओ, बस राउंड ले आओ। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? बहुत थक गए, टायर्ड हैं, रात में भी सोए नहीं ठीक से, इससे और तो फील हो रहा है। अगला एक्सपीरियंस हुआ रेंजर जो था, जिसमें रेंजर पूरे ऊपर पूरा 50 घूम जाते हैं और पूरा घूमने के बाद रुक जाता है वो, उसकी वजह से मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो आज पूरा बहुत मज़ा आया लेकिन थक बहुत गए हैं, इसकी कहानी हम आपको कार में बैठ के सुनाएंगे कि हम लोग क्यों थक गए हैं और हम लोग क्यों यहाँ पे हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट, करना ना करना तुम्हारे ऊपर, पर कमेंट जरूर कर देना ठीक है। ये भी ठीक है, बकचोदी वीडियो कैसी लगी? भाइयों के बीच में बकचोदी होनी चाहिए, बकचोदी होती रहनी चाहिए मतलब कमेंट में, तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी ब्लॉग को मैं आगे चल के एंड करूँगा कुछ बातें करके आपसे। थैंक्स फॉर योर विजिट, कम अगेन सून, इसका मतलब यह है
चैनल पर जल्दी आइएगा, ना कि यहाँ पे। हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक स्टोरी है जो आपको सुनानी है, आप मेरी शक्ल देख के देख सकते हैं कि कितनी थकी हुई है, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड नाउ। सो कहानी कुछ ये हुई कि हम लोग आए थे पार्टी में, बरेली, किस्मत खराब, बरेली पार्टी में आए थे और हम लोग की कार ख़राब हो गई, उसकी क्लच प्लेटें चली गई, तो कार डाल हमने सोचा जब तक कार सही होती तब तक हम लोग मज़े ले लेते हैं, क्योंकि दुख में भी हंस लेते हैं, इसीलिए हमें उत्कर्ष कहते हैं, ठीक है। तो हाँ वही है, खुशी ढूंढ ही लेते हैं आखिर, तो कार के मज़े भी ले लिए, काम भी हो गया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, अगर आप कहीं भी लंबा निकलते हैं तो कार हमेशा चेक करा लीजिए, कहीं कोई नपोर ना हो। जितनी नौटंकी हम लोग करनी पड़ी है हम लोग जानते हैं, टू मच स्ट्रगल, लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल और स्ट्रगल तो चलता ही रहता है। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो, और ठीक है बाकी काम करो, नाम करो, कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है। बाय। लौंडा ये तबे फिकर।